Hello everyone, in this video we will learn about rotate instructions of 8086 microprocessor. There are around 4 types of rotate instructions. First is ROR, means rotate right without carry. Second is ROL, rotate left without carry. Third is RCR, rotate right through carry. And RCL, rotate left through carry. First we will learn about ROR in detail. Okay, so this is the first instruction. ROR, rotate right without carry. इसका सिंटैक्स क्या है? ROR, destination, comma count. Destination means जहाँ जो कोई रजिस्टर अगर हम ले तो उसका जो कंटेंट होगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे हम डेस्टिनेशन ऑपरेंड देते हैं, और काउंट मीन्स हमको उसके डेस्टिनेशन ऑपरेंड के कंटेंट को कितनी बार रोटेट करना है. अब ये रोटेट करेगा राइट साइड टूवर्ड्स राइट, तो काउंट में ये हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड के कंटेंट को कितनी बार रोटेट करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये बिट वाइज 2 बार डेस्टिनेशन ऑपरेंड के कंटेंट को टुवर्ड्स दी राइट रोटेट करेगा. ओके, अब हम ये समझते हैं एक एग्जांपल लेके. फॉर एग्जांपल हमने ये इंस्ट्रक्शन लिए है जहाँ पर हमने डेस्टिनेशन ऑपरेंड में पुट किया है AL और काउंट ऑपरेंड में पुट किया है CL. अगर हम कंसीडर करते हैं कि AL का कंटेंट है A5 और CL है 02. CL 02 है मीन्स ये कितनी बार रोटेट करेगा A5 को? 2 टाइम्स. जब ये 2 टाइम्स रोटेट करेगा तो इसको पहले हम लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में A5 को, मीन्स फॉर A वी विल राइट 1010 एंड फॉर 5 वी विल राइट 0101. अब फर्स्ट टाइम जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो AL का जो कंटेंट है उसका जो LSB है, यहाँ पे LSB है 1, तो ये LSB चला जाएगा कैरी फ्लैग में, और एट द सेम टाइम ये यहाँ से निकलकर MSB में आके ज्वाइन हो जाएगा. पहले वो कैरी फ्लैग में जाएगा और एट द सेम टाइम वो यहाँ से निकलकर MSB में ज्वाइन हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ इसने ज्वाइन किया पहले कैरी फ्लैग, उसके बाद फिर एट द सेम टाइम वो आ गया यहाँ पर MSB पर. ओके, ये हो गया फर्स्ट रोटेशन. सेकंड रोटेशन में क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी. अब यहाँ पर LSB है 0, तो अब ये चला जाएगा फिर पहले कैरी फ्लैग में और एट द सेम टाइम ज्वाइन हो जाएगा यहाँ जाकर. जैसे यहाँ हुआ, पहले कैरी फ्लैग में चला गया, कैरी फ्लैग हो गया रीसेट, उसके बाद फिर MSB में जाके ज्वाइन हो गया. अब ये नंबर क्या होगा, सो आफ्टर फर्स्ट रोटेशन व्हाट विल बी द नंबर इज, दिस रिप्रेजेंट्स D एंड दिस रिप्रेजेंट्स 2 इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. सो आफ्टर फर्स्ट रोटेशन नंबर विल बिकम D2 फ्रॉम A5, एंड आफ्टर द लास्ट रोटेशन व्हाट विल इट बिकम, दिस रिप्रेजेंट्स 6 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 9. ओके, सो आफ्टर टोटल रोटेशन दिस नंबर विल बिकम 69. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ROR इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वी विल सी ROL. नाउ सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज ROL, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी. इसका सिंटैक्स क्या है, ROL, डेस्टिनेशन कॉमा काउंट. ये 2 ऑपरेंड है, इसमें हम डेस्टिनेशन में कोई भी रजिस्टर देंगे या मेमोरी लोकेशन देंगे, और काउंट में हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसका जो कंटेंट है वो कितनी बार रोटेट करना है उसको. ठीक है, ये भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ROR की तरह, सिर्फ चेंज यही होगा कि वो टूवर्ड्स दी राइट रोटेट करता था कंटेंट को, ये टूवर्ड्स दी लेफ्ट रोटेट करेगा. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे. ये एक एग्जांपल है इंस्ट्रक्शन ROL, डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमने लिया है AL, जनरल पर्पस रजिस्टर, और काउंट में हमने लिया है CL. जो CL का कंटेंट होगा, जो भी नंबर होगा CL में, वो उतनी बार AL के कंटेंट को टूवर्ड्स दी लेफ्ट रोटेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं कि AL का कंटेंट है 9CH एंड CL है 01, तो 9CH को ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रोटेट करेगा, 1 टाइम. ओके, अब 9C को
हमें फर्स्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा. सो फॉर 9 वी विल राइट 1001, फॉर सी वी विल राइट 1100. ओके, सो पहले जब ये रोटेट होगा तो कैसे रोटेट होगा, ये इस टाइप से. ये वन जो है ये यहाँ से निकल के इधर ज्वाइन हो जाएगा और एट द सेम टाइम वो ज्वाइन होगा कैरी फ्लैग को. ये कैरी फ्लैग में भी जाएगा जो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. आर ओ आर में क्या होता था, आर ओ आर में जाता था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी फ्लैग में. यहाँ पर क्या होगा, आर ओ आर में, आर ओ एल में क्या होगा कि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएगा कैरी फ्लैग में और टूवर्ड्स दी राइट जाकर यहाँ पे एट द सेम टाइम एल एस बी में भी ज्वाइन हो जाएगा. ये देखिए यहाँ से वन निकला, इधर ज्वाइन हो गया और ये जो बाकी के जो नंबर है वो टूवर्ड्स दी लेफ्ट बिट वाइज ट्रांसफ़र हो गए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर ओ एल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086. नाउ थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ आर सी आर, रोटेट राइट थ्रू कैरी. इसका सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट वी विल राइट सिंबल ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन टू ऑपरेंड. फर्स्ट इज डेस्टिनेशन, सेकेंड इज काउंट. डेस्टिनेशन में हम रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन या फिर कुछ भी दे सकते हैं. उसके बाद काउंट में हमें देना होता है ये कितनी बार रोटेट करे. ठीक है, ये इसका ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है आर ओ आर की तरह, बस वहाँ पे एक डिफरेंस है कि हम वहाँ पे कैरी फ्लैग नहीं देखते थे. कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू है, क्या कंटेंट है कैरी फ्लैग का, वो हम वहाँ पे नहीं देखते थे. यहाँ पर हमें कैरी फ्लैग का कंटेंट भी देखना पड़ेगा. अगर कैरी फ्लैग में वन हो या जीरो हो तो हमें उसको भी अंदर पुश करना पड़ेगा रोटेट करने के टाइम. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं. फर्स्ट एक एग्जांपल लिया हूँ मैंने यहाँ पे आर सी आर ए एल कॉमा सी एल. डेस्टिनेशन ऑपरेंड की जगह मैंने कौन सा रजिस्टर लिया है, ए एल. दिस इज़ दी जनरल पर्पज़ रजिस्टर एंड यहाँ पे मैंने लिया है सी एल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ कि ए एल का कंटेंट है सी डी और सी एल का कंटेंट है 01, मीन्स हमको वन टाइम इसको रोटेट करना पड़ेगा. तो सी डी को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर सी वी विल राइट 1100, फॉर डी वी विल राइट 1101. अब यहाँ पर देखिए मैंने कंसिडर किया है कि कैरी फ्लैग में है वन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा वन इन कैरी फ्लैग, दिस इज़ द कैरी फ्लैग. अब मैं जब इसको रोटेट करूँगा तो ये होगा टूवर्ड्स राइट रोटेट. तो क्या होगा जब ये टूवर्ड्स राइट रोटेट होगा इधर साइड में, तो ये कैरी फ्लैग भी अंदर एंटर करेगा. ये बिट वाइज एक एक साइज से एक, ये हर एक बिट राइट साइड में मूव होगा और जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जब ये कैरी फ्लैग अंदर आ जाएगा तो ये कैरी फ्लैग मीन्स वैकेंट हो गया. तो ये वाला जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो जाएगा इस कैरी फ्लैग में, जैसे यहाँ पर आया. और ये वाला जीरो देखिए यहाँ पे लास्ट में, ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाला जीरो बन गया. ये हो गया रोटेट. यहाँ से रोटेट होने के बाद ये आ गई कंडीशन कि यहाँ पर जो वन था वो यहाँ से मूव होकर इस कैरी फ्लैग में आ गया और यहाँ पर जो ये कैरी फ्लैग वाला वन था वो इसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो गया. दिस इज़ ऑल अबाउट आर सी आर इंस्ट्रक्शन. अब ये रोटेट होने के बाद ये नंबर क्या बना, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल बी द नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स ई एंड दिस रिप्रेजेंट्स सिक्स. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन द नंबर विल बिकम ई सिक्स और कैरी फ्लैग वन. कैरी फ्लैग हो गया सेट और नंबर हो गया ई सिक्स फ्रॉम सी डी, सी डी से हो गया ई सिक्स और ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर. इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर सी आर इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वी विल सी आर सी एल इंस्ट्रक्शन. नाउ दिस इज़ आर सी एल इंस्ट्रक्शन, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी. यहाँ पर भी हम कैरी को देखते हुए ही मूव करेंगे बिट वाइज इस नंबर को. इसका सिंटेक्स है आर सी एल डेस्टिनेशन कॉमा काउंट. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है आर सी एल ए एल कॉमा सी एल. डेस्टिनेशन ऑपरेंड की जगह मैंने लिया है सी एल और काउंट की जगह मैंने लिया है ए एल. डेस्टिनेशन की जगह और काउंट की जगह सी एल, सॉरी ए एल में फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मैंने कंसिडर किया है 9H 9E और सी एल में कंसिडर किया है मैंने 01, मीन्स वन टाइम इसको टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट दिस 9E इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, फॉर 9 1001 एंड फॉर ई 1110.
अब ये इसमें क्या, इसमें भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा आर सी आर की तरह। सिर्फ आर सी आर में हम टूवर्ड्स राइट मूव करते थे, इसमें हमको टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने कंसीडर किया यहाँ पे कैरी फ्लैग है ज़ीरो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरी फ्लैग ज़ीरो। अब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये किधर मूव होगा, इस साइड में। तो फर्स्ट मूव होने के बाद क्या होगा, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस नंबर की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कैरी फ्लैग में, कैरी फ्लैग में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो कैरी फ्लैग का ज़ीरो था वो ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर आकर। ये है आफ्टर फर्स्ट रोटेशन, ये जो वन था यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पर जो कैरी फ्लैग में ज़ीरो था वो मूव हो चुका है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोटेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086। मेक श्योर यू सब्सक्राइब इफ़ यू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।